कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी खुलकर अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा है यहां पर मोदी सरकार पर, वहीं दूसरी ही तरफ अपनी सदस्यता को लेकर उनका दर्द भी छलका है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की जिस तरह से सदस्यता गई है, 2 साल तक के लिए उन्हें दोषी करार किया गया सूरत की सेशन कोर्ट की तरफ से, और इस फैसले के बाद उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। अब राहुल गांधी जो लगातार अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से, और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी ने जीत लिए। अब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका में उन्होंने अपने दर्द को भी बयां किया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा अपनी सदस्यता पर, एक कार्यक्रम का हिस्सा बने राहुल गांधी, उनका कहना रहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पहला व्यक्ति बनूंगा जिसे मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिलेगी, लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ेगी। राहुल गांधी का कहना रहा, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसे मुझसे ज्यादा बड़ा मौका मिला है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया कि भारत में समूचा विपक्ष संघर्ष कर रहा है और संस्थाओं पर कब्जा है। लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए कुछ महीनों पहले हमने पूरे भारत में यात्रा भी निकाली। अब देखा जाए तो राहुल गांधी यहां पर सदस्यता को लेकर कहे कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि इसने मुझे बड़ा अवसर दिया है। शायद जो अवसर मेरे पास होता उससे बहुत बड़ा है। राजनीति इसी तरह काम करती है। तो राहुल गांधी सूरत की सेशन कोर्ट से 2 साल तक के लिए दोषी करार किए गए, और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अगर यहां पर 2 साल तक की सजा में कटौती होती हुई मिलती है तो कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है। आपको जानकारी दे दें कि सूरत की सेशन कोर्ट में उन्होंने याचिका भी दायर की, 13 और 20 अप्रैल के दिन सुनवाई, लेकिन मामला गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंच गया। अब गुजरात हाई कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुरक्षित कर लिया है, लेकिन गर्मियों के छुट्टियों के बाद ही अहम फैसला सुनाया जाएगा। तो गुजरात हाई कोर्ट अगर सजा पर रोक लगा देता है, अगर स्टे लग जाता है, तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जा सकती है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के हाथों में। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि ओम बिरला जी उनकी सदस्यता को अब वापस कर सकते हैं अगर गुजरात हाई कोर्ट उन्हें राहत दे देता है। लेकिन अगर गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ सकता है। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अगर वह पहुंच जाते हैं, सजा पर रोक लग जाती है, स्टे लग जाता है, तो आखिरकार ओम बिरला जी को राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करनी ही पड़ेगी। और सदस्यता बहाल हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ ही जाएंगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। जी हां, क्योंकि पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी का नाम दूसरे नंबर पर है। जब सर्वे रिपोर्ट सामने आए उसमें यही खुलासा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पर हैं। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 2024 में राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं, और अगर महागठबंधन हो जाता है तो महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी को आगे किया जा सकता है। आपको जानकारी दे दें कि लक्षद्वीप से लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल की सांसदी हाल ही में बहाल की गई है। हत्या के प्रयास के मामले में निचली अदालत ने 10 साल तक की कैद की उन्हें सजा सुनाई थी और उनकी सदस्यता चली गई। तो देखा जाए तो यहाँ पर उनके समर्थन में जो फैसला आया, केरल हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर की और 10 साल कैद की सजा पर रोक लगा दी गई। तो अब देखा जाए यहां पर उन्हें राहत मिल चुकी है, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं। देखते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी को क्या वाकई में राहत मिलेगी। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।